ये देखिए हमारी रेसिपी एकदम लाजवाब बनके रेडी हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है चिकन कोरमा रेसिपी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब ये रेसिपी बनने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं चिकन कोरमा रेसिपी। ये ली हूँ मैंने आधा किलो चिकन, इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, आधा छोटा चम्मच से हल्दी पाउडर, एक छोटा डब्बा दही का। माशाल्लाह ये देखिए ये सारा डाल देंगे हम। अब सारी चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा मिश्रण। अब इसको ढक्कन ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे, जब तक हम लोग इसका दूसरा सामग्री का सामान तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने नारियल ली हूँ, ये छोटे साइज़ का नारियल था तो उसमें का मैंने ये आधा नारियल ली हूँ। एक मुट्ठी भर के डालेंगे इसमें कोथमीर माशाल्लाह, और ये दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सर के जार में फिरा लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा कितने अच्छे से माशाल्लाह पीसे जा चुका है। इसी तरह का हमको पॉइंट पेस्ट बनाना है, ठीक है। अब ये कटोरे में मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसी मिक्सर के जार में हमको टमाटरों को पीसना है। टमाटर मैंने यहाँ पे छोटी साइज़ के चार टमाटर ली हूँ, इसको भी अच्छे से हमको पीस लेना है मिक्सर में। माशाल्लाह टमाटर भी बहुत अच्छे से हमारे पीसे जा चुके हैं, तो इसको भी मैं कटोरे में निकाल लूँगी। अब ये सारी चीज़ों को हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ली हुई एक हांडी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इसका ढक्कन हटा देंगे। अब यहाँ पे मैं गैस को चालू कर दूँगी। अब हांडी को बहुत अच्छे से हमको पहले गर्म होने देना है, और ये बहुत जाड़े तले की हांडी है। अगर आपके पास कोई भी टोप हांडी वगैरह जो भी है वो जाड़े तले का होना चाहिए, तो ये हमारी रेसिपी बहुत अच्छी और बढ़िया बनने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर हांडी हमारी बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है माशाल्लाह। अब इसमें डालूँगी मैं 4 चम्मच भर के बड़े चम्मच से तेल। इस रेसिपी में तेल की क्वांटिटी ज़्यादा ही लगती है, ठीक है ना। माशाल्लाह तेल को भी बहुत अच्छे से हमको पहले गर्म होने देना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमको बढ़ाए रखना है और तेल को बहुत अच्छे से पहले गर्म होने देना है। तेल बहुत अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे डालूँगी मैं बिग साइज़ की प्याज, जो कि मैंने रफली इस तरह से देखिए काट ली हूँ, क्योंकि इसको पीसना है ना, इसके लिए मैंने इसको रफली काटी हूँ। ये सारी प्याज इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बढ़ाई करना है और प्याज को अच्छे से हमको लाल कर लेना है पहले। ये देखिए इसी तरह से हमको प्याज को लाल करना है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी प्याज लाल हो रही है, ये देखिए। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को बारीक कर देंगे और सारी प्याज को तेल में से नितारते हुए हमको निकाल लेना है। एक प्लेट में इस तरह से निकालना है तेल को नितारते हुए, ये देखिए माशाल्लाह सारी प्याज को निकाल लूँगी मैं। ये देखिए सारी प्याज मैंने निकाल ली तेल में से नितारते हुए। अभी जो हमने मिक्सर के भांडे में पीसे थे ना खोपरा और टमाटर, तो इसी जार में हमको ये पीस लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने प्याज बहुत अच्छे से पीस ली हूँ, और यहाँ पे गैस फिर से मैं चालू कर दूँगी, और प्याज भी माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छे से पिसे गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना है हमारी रेसिपी। अब इसी तेल में डालेंगे हम 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए। चम्मच की मदद से अच्छे से चला लेंगे। और अदरक लहसुन को अच्छे से हमको लाल करना है, ताकि इसका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। इसी तरह से हमको चलाते हुए पकाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से लाल हो चुका है, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम लोग चिकन। चिकन को रखते हुए आधा घंटा हो चुका है माशाल्लाह। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमको बढ़ा ही रखना है। चिकन को अच्छे से तेल में तल लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। आप भी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए,
और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही सारे घर में, इसकी महक छूटी है। चिकन को 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देना है हमको, हाथ से चलाते हुए चम्मच की मदद से चलाते हुए पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से चिकन हमारा इसमें तले जा रहा है और बहुत अच्छे से इसकी खुशबू भी छूटी है। अभी सारे मसाले इसमें जाएंगे। यहाँ पे मैंने मसालों में ली हूँ चिकन मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर जो कि ज़्यादा तिक्की नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला चिकन मसाला ली हूँ, आप कोई भी चिकन मसाला अगर आपके पास अवेलेबल है वो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे मसाले अब जाएंगे इसमें। अब चम्मच की मदद से सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर तो आप देख सकते हैं कितना लाजवाब आया है मसालों का। एक मिनट के लिए इसको भी अच्छे से भून लेंगे तेल छूटने तक। इसमें जाएगी 2 तीखी वाली हरी मिर्ची, पिसा हुआ खोपरा और कोथमीर का पेस्ट, पिसे हुए टमाटर, पिसी हुई प्याज, कसूरी मेथी, हाथों में मसल के डालना है, एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डालने तक गैस की फ्लेम को बारीक कर ली थी, अब चम्मच की मदद से अच्छे से सारी चीज़ों को चला लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अब गैस की फ्लेम को हमको यहाँ पे बड़ा करना है। माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए चम्मच की मदद से अच्छे से चला लेना है। अगर आप मेरी ये रेसिपी एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे, घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम कटा हुआ पुदीना। पुदीना बहुत ज़रूरी है ये रेसिपी में, बिल्कुल भी पुदीने को स्किप ना कीजिए। सारी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को बारीक कर दूँगी और इसको ढक्कन से ढक के रख दूँगी बारीक आँच पे, जब तक कि इसका तेल छूट जाए तब तक। अब यहाँ पे ढक्कन को हटा दूँगी मैं। मसाले को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा आया है इसमें और सारे जो मसाले थे ना हमारे वो भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को फिर से बड़ा कर दूँगी क्योंकि मैंने बारीक आँच पे इसको रखी थी ना इसके लिए। अब अच्छे से 2-3 मिनट के लिए फिर से हमको इसको बड़े आँच पर पका लेना है। माशाल्लाह अब जो मिक्सर के भांडे में जो लगा था ना थोड़ा बहुत पचा कुचा मसाला वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह पहले जब हमने गैस बारीक करके रखे थे ना 5 से 7 मिनट के लिए तो मसाले पकने के लिए रखे थे, बहुत अच्छे से मसाले पकने के बाद ही इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट इसमें पानी नहीं डालना है, पानी हमको इसमें गर्म करके डालना है। ये तो मसाले का थोड़ा पानी निकला था इसके लिए मैंने वो मिक्सर के जार में लगा था, इसके लिए मैंने आधा कप उसमें डाल दी, ठीक है ना। अब फिर से मैं यहाँ पे गैस को बारीक करके 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, इसके बाद देखना आप तेल कैसा छूटेगा इसमें। यहाँ पे हमारे 5 से 7 मिनट पूरे हो चुके हैं बारीक आँच पे, फिर से हमने एक बार रखे थे ना तो इसको हम ढक्कन को एक बार हटा के देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसमें तेल छूटा है और कलर भी देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा है। और साथों साथ मैंने यहाँ पर 1 गिलास भर के पानी भी रखी थी, आप देख सकते हैं। अच्छे से पहले पानी को बॉयल करना है उसके बाद में ही इसमें हमको पानी डालना है। और ये रेसिपी ना थोड़ी थिकी होती है, इसके लिए यहाँ पे क्वांटिटी हमको थिकी रखना है, ठीक है। तो पानी यहाँ पे 1 गिलास भर के डालूंगी मैं क्योंकि मैंने खोपरे की भी क्वांटिटी ज़्यादा ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना थिक हमारा ग्रेवी बना हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से हमको पानी डालना है, ठीक है ना। माशाल्लाह एक बार फिर से चला लेंगे चम्मच की मदद से। अब यहाँ पे मैं डालूँगी स्वाद के हिसाब से नमक। नमक थोड़ा देखकर ही डालें क्योंकि हमने जब
चिकन में मसाला लगाए थे ना दही वगैरह, तो उसमें भी हमने नमक डाला है। इसके लिए नमक थोड़ा देख कर ही डालें, ठीक है ना। फिर से चम्मच की मदद से हम इसको एक बार फिरा लेंगे ताकि नमक सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। ग्रेवी बनने के बाद एकदम ज़बरदस्त हमारी बनने वाली है। इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, नान रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और बारिश भी एकदम झमाझम हो रही है बाहर, ये देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है बाहर। आते हैं रेसिपी की तरफ। और पानी भी हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ पानी। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है हमको, गरम पानी करके ही डालना है, ठीक है ना। यहाँ पे गैस की फ्लेम को भी बढ़ा रखना है हमको, ठीक है। ये डाल रही हूँ मैं एक गिलास भर के पानी। माशाल्लाह पानी डालते के साथ सारा देखिए तेल ऊपर आ गया है और कलर भी बहुत अच्छा आने वाला है माशाल्लाह। एक बार चम्मच की मदद से चला लेंगे। माशाल्लाह ये रेसिपी हमारी लगभग बन के तैयार हो रही है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रेसिपी एकदम ज़बरदस्त बनने वाली है। इसमें मैं नमक चेक कर लेती हूँ। नमक भी एकदम परफेक्ट है इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट है इसमें। मैंने चख के देखी अभी, बहुत अच्छा फ्लेवर आया है इसका। तो इसको फिर से हम बारीक आंच पे ढक के रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें चिकन भी भाप के ऊपर अच्छे से पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह हमारी ये रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। और कलर और तेल तो देखो कितना छूटा है माशाल्लाह, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सारे घर में इसी की महक आ रही है, आपको मैं क्या ही बताऊँ। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और हो सके तो ज़ीरा राइस के साथ ज़रूर इसको सर्व कीजिए, ठीक है ना। ज़ीरा राइस के साथ ये रेसिपी बहुत लाजवाब लगती है। देखिए माशाल्लाह मैंने यहाँ पर ज़ीरा राइस भी बघार ली हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी ये रेसिपी पूरी बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे गैस को बंद कर दूँगी। अब इसमें डालूँगी ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया माशाल्लाह। ये देखिए हमारी रेसिपी एकदम लाजवाब बन के रेडी हो चुकी है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।